हाँ, तो हमने अभी जो है आज कितने क्वेश्चंस को कवर किए, तो वो क्वेश्चंस को आप लोग जो है एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमने आज कौन से क्वेश्चन करे। और घर जाकर आप लोग जो है घर पे बैठे हैं, आप लोग अब अपने नोट्स तैयार कीजिए। और ये याद रखिए कि बेहतरीन नोट्स उसे कहा जाता है जो बच्चा खुद से बनाता है, ठीक है। और फिजिक्स में ये बहुत ज़रूरी है कि नोट्स जो है वो अपने से बनाए जाएँ, नहीं तो फिर एक अल्टरनेट हमारे पास ये होगा कि PDF और उसकी जो है आपको लिंक बता दी जाएंगी और वो लिंक पे जाकर आप जो है वो PDF से वो नोट्स को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने जो है सबसे पहले आपको बताया है फिज़िक्स किसे कहते हैं। तो फिज़िक्स साइंस ऑफ मेज़रमेंट को कहते हैं। अब मेज़रमेंट को करने के लिए आपको कोई क्वांटिटी होना, तो ये क्वांटिटी की तारीफ बताई गई आपको कि हर वो चीज़ जो काबिले पैमाइश होती है उसको क्वांटिटी कहा जाता है। फिर उसके बाद में क्वांटिटी की आपको किस्में बताई गई कि क्वांटिटी तीन किस्मों की होती है, एक फंडामेंटल, एक ड्राइव्ड और एक सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री की पहले क्लियर कर लो कि भाई सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमारे पास दो है, एक को बोलते हैं एंगल और अच्छी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। अब एंगल आप लोग जानते हैं कि एंगल किसको बोलते हैं। फिर उसके बाद में दूसरी है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, अब देखो कि एंगल ये हो गया एंगल, इट इज़ कॉल्ड एंगल। और सॉलिड एंगल में क्या होगा कि अगर हमने एक कोन लिए, ये कोन लिए हमने, ये कोन लिए और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल जो है दिस एंगल इज़ कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो ये 2D में बना हुआ एंगल है और ये 3D में बना हुआ एंगल है। अब आप लोग ये बोलेंगे कि सर ये 2D क्या बोला है और ये 3D किसको बोलते हैं। तो ये जो है आगे के लेक्चर जब हम वेक्टर को पढ़ेंगे तो जब वहाँ पर आपको ये पूरा बताएंगे कि 2D का मतलब क्या होता है और 3D का मतलब क्या होता है। तो बस इतना याद रखना है कि सॉलिड एंगल की अगर किसी ने डेफिनेशन पूछा आपसे तो आप लिखेंगे कि द एंगल इन 3D इज़ कॉल्ड सॉलिड एंगल। अब आपको फार्मूला भी बताता चलूँ मैं। ये देखो कि जब एंगल बनता है तो ये एक होता है कॉस, ये होता है आर्क और ये होता है रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस, ये हो गया प्लेन एंगल का फार्मूला, आर्क अपॉन रेडियस। और सॉलिड एंगल के लिए ये एरिया का होना जरूरी है। तो अगर मैंने इस एरिया को ए ले लिया, बहुत से इसको डी ए लेते हैं, तो ये डी ए ले लिया और ये हो गया हमारा रेडियस। तो कहाँ गया वो, ये है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का फार्मूला है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। ये दो दो फार्मूलों को आप याद रखो कि प्लेन एंगल का फार्मूला है आर्क अपॉन रेडियस, कॉस बटे निस्क्वायर, और सॉलिड एंगल का है रकबा बटे रेडियस निस्क्वायर कुव्वत दो, निस्क्वायर कुव्वत दो। हाँ, फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको बताई गई कि वो क्वांटिटीज जो किसी दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं होती उसको बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी आपको सात बताई गई, तो सात में एक है लेंथ, जिसकी यूनिट भी आप लिखते चलो मीटर। दूसरा है बोलो मास, इसका यूनिट है केजी। ये जो यूनिट लिख रहा हूँ मैं, ये SI सिस्टम में या MKS सिस्टम में, CGS मालूम है आपको सेंटीमीटर है, मास का CGS ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर टाइम, तो टाइम का है सेकंड। फिर उसके बाद में जल्दी बोलो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट उर्दू उर्दू में बोलते हैं इसको बरकी रो, तो इसका जो यूनिट है वो है एम्पियर, ठीक है। फिर उसके बाद में है टेम्परेचर, टेम्परेचर तपिश। अब बोलो अगर मैंने चलते चलते बता दूं आपको कि भाई टेम्परेचर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि भाई बुखार रहता है तो डॉक्टर जो है थर्मामीटर लगाकर हमारे टेम्परेचर को मेज़र करता है। तो टेम्परेचर है क्या चीज़, तो इसके लिए बस एक सेंटेंस याद रखो, वो भी इंग्लिश में याद रखो कि डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस कि वो जिस्म कितना गर्म है उसका मियार जो है वो उस जिस्म का टेम्परेचर कहलाता है। तो इसको हम जो है जिसकी इसकी इकाई है केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड भी इसकी इकाई है, फ्राउनहोफर भी इसकी इकाई है, लेकिन हम जो है यहाँ पर डिग्री केल्विन लेंगे क्योंकि ये SI सिस्टम या MKS सिस्टम है। फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 और आखिरी है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसकी इकाई है मोल, MOL।
एक्चुअल में स्पेलिंग है इसकी MOLE, तो ये है हमारी इकाइयों का रिप्रेजेंटेशन या सिंबल, तो सिंबल में इसको हम लिखेंगे MOL। तो बच्चों ये आपको अच्छे से याद करना है, ये अगर आपको याद हो जाता है तो फिजिक्स की हर मिकदार की इकाई को आप बआसानी निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में मैंने बताया आपको कि निज़ाम पैमाइश क्या है, तो निज़ाम पैमाइश जो है वो चार किस्मों का है, एक है FPS सिस्टम, एक है MKS सिस्टम, एक है CGS सिस्टम और एक है SI सिस्टम। तो ये सब क्वेश्चंस के ये जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन के अपने ओन नोट्स बनाओ ताकि आप लोगों को जो है फिज़िक्स आसान से आसान तर होता रहे, और हम भी यही कोशिश करेंगे कि हम फिज़िक्स को जो है आसान से आसान तर करें ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर रहें, और फिर जब हम नीट का एग्ज़ाम या JEE का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस वक्त हमारे सामने आने वाला हर क्वेश्चन जो है, हर क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है हमारी समझ में आए। ये हो गया आज का, इसमें भूल से एक अपना रह गया, आप लोग बीच बीच में बोला करो कि भाई कौन सा रह गया जल्दी बताओ, तो रह गया हमारा लुमिनस इंटेंसिटी जिसकी इकाई है कैंडला, CD लिखते हैं बहुत से या C लिखते हैं। तो बच्चों ये आप लोग अच्छे से याद रखना, और जो हमारा अब नेक्स्ट डिस्कशन जो चलेगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की SI इकाइयों को हासिल करेंगे। हाँ, तो मैं बता रहा था कि फिज़िक्स को आसान करने के लिए आपको जो है कौन कौन सी हिदायत मेरी तरफ से आप लोगों को दी जा रही है, ठीक है, ये अगर आप लोग ये हिदायत को फॉलो करोगे तो यकीन जानो कि फिज़िक्स जो है आपको बहुत आसान लगेगा और फिज़िक्स में पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले अपने रोज़मर्रा को जो है सुन्नतों पर लाओ। जब तक का हम सुन्नतों की पाबंदी नहीं करेंगे, जब तक का ये नेचर हमारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नेचर का ताल्लुक सुन्नत से है, नेचर का ताल्लुक सुन्नत से है, नेचर का ताल्लुक सुन्नत से है। दूसरा कि हम जो है हार्ड वर्किंग करेंगे, हम अगर हार्ड वर्क रहेगा हमारा तो यकीनन ये चैप्टर, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इजी बन जाएगा। तीसरा ये कि अपने काम में रेगुलरिटी लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि रेगुलरिटी जो है ये बहुत अहम होती है। अगर फिज़िक्स को पढ़ा जा रहा है तो रेगुलरिटी के साथ पढ़ेंगे, नहीं तो होता ही है कि बच्चे जो है अच्छा लेक्चर देख लेते हैं, बच्चे जो है अच्छे टॉपिक जो उनकी समझ में आ रहा है उसको पढ़ते हैं, तो 3-3 घंटा पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद में 2-3 दिन का गैप हो जाता है, जिसकी वजह से ये सब्जेक्ट जो है हमारे हाथ से निकलना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए रेगुलरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चौथा पॉइंट कि आपको जो है मुतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। अब मुतवाजन ग़िज़ा किसको बोलते हैं, इसको आप जो है अपने बड़ों से पूछ सकते हैं। मुतवाजन ग़िज़ा ये नहीं है कि आप जो है ठीक है खूब अच्छा अच्छा खाएं, वैसा नहीं है। मुतवाजन ग़िज़ा जो है अगर ये इस्तेमाल की जाए, रेगुलरिटी को जो है अपने जहनों में रखा जाए, हार्ड वर्किंग के जज्बे के साथ और सुन्नतों पर अमल करते हुए अगर हम जो है अपने सब्जेक्ट फिज़िक्स को पढ़ेंगे तो यकीनन ये सब्जेक्ट जो है हमारे लिए जो है एक इजी सब्जेक्ट बनेगा। नहीं तो आप लोग जो है अपने साथ के दो दीगर कॉलेजेस में जो बच्चे हैं उनसे पूछो कि भाई साइंस में सबसे हार्ड कौन है, तो वो मैथमेटिक्स को भी हार्ड नहीं बोलेंगे, वो हार्ड बोलेंगे तो सिर्फ फिज़िक्स को बोलेंगे, क्योंकि फिज़िक्स में कंसेप्ट होते हैं और बच्चे कंसेप्ट पर ट्रेस करने की बजाय वो लोग जो है उसको रटने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से सब्जेक्ट जो है वो वीक होता जाता है। तो मैं बच्चों आप लोगों से बस यही मेरी इल्तिजा है, मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग जो है आज पहला दिन है और पहले दिन आपने फिज़िक्स को शुरू किया तो उसमें जो है ये चार चीज़ों का इस्तेमाल करो। ये चार चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में होंगी तो यकीनन आप जो है कामयाबी के करीब तर होते जाएंगे। और इसके लिए अब देखो कि कुछ दवाइयाँ भी इस्तेमाल करना पड़ता, कि अगर हमारा दिमाग जो है कम है या हमारा दिमाग हमारा सर जो है वो भारी लगता है, तो उसके लिए जो है मुफर्रा मुश्की एक हमदर्द का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है,
तो इसको इस्तेमाल करो, इस पर बाकायदा लिखा हुआ है कि दिमाग तेज़ करने की दवा और कितनी लेना है वो सब भी वहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आज जो है हम अपना पहला लेक्चर जो है वो ख़त्म करते हैं, और आप लोग से गुजारिश है कि इसको शेयर भी करें, और अगर लाइक कर देंगे तो हमारे लिए जो है मोटिवेशन का काम करेगा वो, हमको भी फ्यूल चाहिए, और फ्यूल जो है आपका लाइक ही हमारा फ्यूल होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि जो है दूसरे बच्चों तक हमारी बात पहुंच सके, और हमारा मिशन जो है बस यही है कि हम जो है फिज़िक्स को नीट लेवल पर, JEE लेवल पर, और अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड लेवल पर अपने फिज़िक्स को जो है कंप्लीट करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।